सवारियों से भरी तेज गति से आ रही लोक परिवहन बस हाईवे से उतरी। ड्रेन में जाने से बाल बाल बची बस, घायलों को बारान जिला अस्पताल में किया रेफर। बारान जिले के अंता में कोटा से बारान की ओर तेजी गति से जा रही लोक परिवहन की बस ट्रेन में कूदने से बाल बाल बच गई, जिसमें डेढ़ दर्जन से अधिक घायल सवारियों को एम्बुलेंस से बारान पहुंचाया गया। थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि कस्बे के पास निकल रहा नेशनल हाईवे पर एक बस जो कोटा से छिपा ब्लॉट जा रही थी, तेज गति होने पर हाईवे से उतर गई, जो एक बहुत बड़ा ड्रेन में जाने से बस गई। यदि बस ट्रेन में कूद जाती तो बहुत हादसा हो सकता था। घटना के बाद से बस के चालक व परिचालक मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी शिवजी लाल मीणा घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। हादसे की जानकारी मिलते ही भीड़ जमा हो गई, पुलिस ने हाईवे होने से भीड़ को हटाया गया। रिपोर्ट फिरोज खान, बारान। बस का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कोटा से छिपड़ जाने वाली लोक परिवहन की बस है, जो कि अज्ञात कारणों से पता नहीं अकेले चढ़ गई है, और इसमें करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल है, जिनको कि बारह अस्पताल भिजवा दिया गया। और यहाँ पर मौके पर बस का ड्राइवर और खलासी एक भी नहीं है, जिनकी तलाश की जा रही है, आगे कार्रवाई जारी है। मौत तो नहीं, किसी की मौत नहीं हुई।